व्हाट इज अप गाइस, सो वेलकम बैक। और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर। तो इस मैच में हम लोग उतरते हैं जॉर्ज पुल पर। तो भाई मेरे को उतरते गन नहीं मिलती, मैं इस कंटेनर से डीपी उठाता हूँ। भाई डीपी सही में बहुत ओपी गन है। इतने हम बस लूट ही कर रहे थे, मुझे पीछे वेयरहाउस से फुटस्टेप सुनाई देते हैं। मैं यहाँ बस बंदे की लोकेशन नहीं देख रहा था, पीछे से भी आवाज आती है। मुझे लगा इस बंदे का ही टीममेट है, लेकिन ये तो हमारे बॉट भैया निकले। और भाई यहाँ पर गन फायर सुनते ही असली बंदा ये बाहर निकल कर आता है और पेटी बन जाता है। यहाँ पर एक बॉट और दिखता है, इसे भी खत्म करते हैं। और भाई यहाँ पर मेरे को पीछे से भी गन फायर आ रहा था, तो चलते हैं उन बंदों के पास। और यहाँ पर मेरे को बंदा दिखता है, इसे तोड़ते हैं। इसका टीममेट बचकर निकलता है और बस भाई यहाँ पर मैं बाल बाल बचा है। यहाँ पर बंदे की प्री फायर मेरा धुआं निकाल देती और मेरे टीममेट को फ्री की डीपी मिल जाती, वो भी 6x के साथ। और ये बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था। अब इन्हें जल्दी से खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब यहां पर मेरे को बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे। यहां मेरे को लगता है कि वो बंदा क्रेन पर है, पर भाई ये आवाज सुनते ही मेरे को पता चल जाता है कि वो बंदा बराबर कंटेनर्स पर है। यहाँ मैं थोड़ी सी प्री फायर के साथ जाता हूँ, ये एक नॉक, इसका टीममेट आया। भाई ये बंदा प्री फायर के साथ। और इसी के साथ यहाँ पर जॉर्ज पुल की आखिरी डुओ भी खत्म। हम यहाँ पर रिजल्ट चेक करने आते पर यहाँ पर हमें कोई भी गन फायर नहीं सुनाई देता। तो अब चलते हैं स्कूल अपार्ट की तरफ। और भाई यहाँ पर मेरे टीममेट की ड्राइविंग देखो, ये शायद गाड़ी से छत पर जाने की कोशिश कर रहा था। अब भाई यहाँ अपार्ट में हमें कोई भी नहीं मिला है। इतने ही यहाँ से एक यूएस निकलती है। अब भाई उन बंदों को बुलाने के लिए मैं यहाँ पर फायर लेता हूँ, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है, वो आने की जगह और भाग जाते हैं। और भाई अब उन पर फायर देने का कोई फायदा नहीं है। और यहां ये दो बॉट आपस में भिड़ जाते हैं, शायद इसी बात पर कि कौन पहले रश मारेगा। कोई नहीं, चलो अब आगे चलते हैं। अब भाई आखिरी में हम एक स्क्वाड हाउस में आके रुकते हैं, क्योंकि बंदे पता नहीं कहाँ ही कैंप कर रहे थे। इसी स्क्वाड हाउस में काफी देर रुकने के बाद यहाँ एक यूएस आती है, मैं उनको बुलाने के लिए फायर देता हूँ। और ये देखो बंदों ने एकदम अपनी डायरेक्शन बदल दी।
यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे इस मैप के सारे ग्रेनेड यही दो बंदे लेकर आ गए। यहाँ पर एक ही जगह पर रुकने का कोई बेनिफिट नहीं था क्योंकि बंदे अच्छी खासी बमबारी कर रहे थे। मैं यहाँ पर बंदों के रश मारने का वेट कर रहा था। और भाई ये देखो, ये ग्रेनेड कहाँ पर आकर गिरता है। अब भाई ये बताओ, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा। खैर छोड़ो, अब इसका टीममेट भी यहीं कहीं भटक रहा है, उसको भी ढूंढते हैं। अब भाई पता नहीं ये बंदा यहाँ पर मेरे साथ क्या लुका छुपी खेल रहा था। मैं ऊपर बालकनी में जाता हूँ क्योंकि वहां से इसको स्पॉट करना ज्यादा इजी था। यहाँ पर ये बंदा मेरे को दिखता है। अब पता नहीं ये इतना क्यों उछल रहा था। खैर कोई नहीं, इन्हें जल्दी से लूटते हैं और आगे चलते हैं। अब बस इस मैच की आखिरी डुओ ही बची थी। सामने यूएस स्पॉट होती है। मैं यहां से उन लोगों को फायर देता हूँ। अब उन बंदों की हेल्थ थोड़ी बहुत लो हो चुकी होगी। मैं यहाँ डासिया पर स्मोक करता हूँ उन पर रश मारने के लिए, लेकिन उन बंदों के पास रिज का कवर है और वो हमें इजीली मार सकते हैं, तो उन पर रश मारना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पर मैं उन बंदों को यहीं से मारने की कोशिश करता हूँ। और भाई यहाँ पर जोन हमारा साथ देता है। अब उन बंदों को कवर से निकल कर आना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर इजीली नॉक करा, मेरे टीममेट इसे जल्दी से फुल फिनिश करता है। और भाई इसका टीममेट तो पता नहीं कहाँ ही छुपा हुआ था, उसको तो ब्लू जोन ही मार देता है। और इसी के साथ ये डिलीशियस चिकन डिनर हमारा हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। काम बच्चे से मत दिखा, बत्ती से मर जाएगा गलती से गायब तू धरती से। चलता ये शेर बोले अपने ही मर्जी से, गर्दी में फर्क नहीं चर्सी और वर्दी में।